ट्विटर और एलन मस्क की लड़ाई अब भारत तक पहुंच गई है। दोनों की कानूनी लड़ाई भारत नहीं आई है, बल्कि इसमें भारत सरकार का नाम आ गया है। एलन मस्क के आरोपों के जवाब में ट्विटर ने अपना पक्ष रखा। ट्विटर ने डेलावेयर चांसरी कोर्ट में अपना रिस्पांस फाइल किया है। मामला ट्विटर और एलन मस्क की $44 अरब में होने वाली डील का है। मस्क ने इस डील को कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद ट्विटर कोर्ट पहुँच गया। इस मामले में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जहां मस्क ने ट्विटर पर कुछ आरोप लगाए हैं। इन आरोप में भारत और सरकार के साथ ट्विटर की खींचतानी का भी जिक्र किया गया। दरअसल एलन मस्क ने इस मामले में कहा कि ट्विटर को खरीदने के लिए उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। उन्होंने बताया कि ट्विटर भारत सरकार के साथ चल रहे केस और जांच के बारे में बताने में विफल रहा। ट्विटर ने अपने तीसरे सबसे बड़े बाजार को रिस्क में डाला है। कंपनी ने भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है। मस्क ने अपने रिस्पांस में कहा कि भारत के आईटी मंत्रालय ने 2021 में कुछ नियम बनाए थे, जिसका उल्लंघन ट्विटर ने किया, और ये बताने से ट्विटर ने साफ इनकार किया। अगर बात भारत के आईटी मंत्रालय द्वारा लाए गए 2021 के कुछ नियमों का जिक्र करें, इन नियमों की बदौलत सरकार सोशल मीडिया पोस्ट की जाँच पहचान से जुड़ी जानकारी मांग सकती है। ऐसा नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ केस भी कर सकती है। सरकार के नए नियमों की वजह से ट्विटर को हाल फिलहाल में कई जांच का सामना करना पड़ा है। क्योंकि भारत ट्विटर का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, ऐसे में किसी जांच में फंसने की वजह से ट्विटर सस्पेंड हो सकता है या इसकी सर्विस बाधित हो सकती है। यही कारण है कि भारत का नाम बीच में आ गया। 6 जुलाई 2022 को ट्विटर भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में पहुंचा, जहां उसने सरकार की डिमांड को चुनौती दी। यानी ट्विटर मर्जर एग्रीमेंट साइन करते वक्त जांच के दायरे में थी और सरकार को कानूनी चुनौती दी है। वहीं इन सब बातों के सामने आने के बाद एलन मस्क ने कुछ समय पहले ही इस डील से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर आरोप लगाए और कहा कि कंपनी प्लेटफॉर्म पर बोट अकाउंट की संख्या कितनी है ये नहीं बता रही। एलन मस्क की तरफ से कहा गया कि ट्विटर ने जितने बोट अकाउंट डिक्लेयर किए हैं, प्लेटफॉर्म पर इससे कहीं ज्यादा बोट अकाउंट्स हैं। गौरतलब है कि ट्विटर इस डील को पूरी करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्विटर एलन मस्क के खिलाफ कोर्ट तक चला गया है और अब दोनों पक्ष कोर्ट में अपनी दलील पेश कर रहे हैं। इस डील के टर्म में ये भी है कि अगर कोई भी पार्टी इस डील से पीछे हटता है तो उसे $1 बिलियन की पेनल्टी देनी होगी। अभी ये साफ नहीं है कि पेनल्टी कौन देगा और ये डील कैंसिल होगी या नहीं। आने वाले कुछ समय में चीजें और क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि कोर्ट ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है और अभी कोर्ट में सुनवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।